बर्थडे स्पेशल फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी बॉलीवुड की दबंग गर्ल। आज बॉलीवुड की लेडी दबंग सोनाक्षी सिन्हा का जन्मदिन है। वो आज 31 साल की हो गई हैं। अपने बिंदास अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली सोनाक्षी ने फिल्मों में आने से पहले फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था और वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। आगे देखें सोनाक्षी का बॉलीवुड सफर। सोनाक्षी सिन्हा ने साल 2010 में फिल्म दबंग से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने फिल्म के लिए 30 किलो तक वजन घटाया था क्योंकि उन्हें रजो नाम की गांव की लड़की का किरदार निभाना था। फिल्म में सोनाक्षी सलमान के साथ नजर आई थी जो ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इसके बाद सोनाक्षी ने साल 2012 में बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ फिल्म राउडी राठौड़ की, जिसमें उन्होंने पारुख का रोल निभाया था। फिल्म को पहले दिन मिले जुले रिव्यू मिले, लेकिन बाद में यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद साल 2012 में सोनाक्षी ने अभिनेता अजय देवगन के साथ फिल्म सन ऑफ सरदार में काम किया। फिल्म में सोनाक्षी ने सुखमीत कौर संधू नाम की लड़की का रोल निभाया था। साल 2012 में ही फिल्म दबंग की सीक्वल रिलीज हुई, जिसमें सोनाक्षी एक बार फिर रजो के किरदार में दिखी। इस फिल्म ने भी अच्छी कमाई की थी। साल 2013 में सोनाक्षी ने रणवीर सिंह के साथ फिल्म लुटेरा में काम किया था, जिसमें उन्होंने पाखी नाम की लड़की का रोल निभाया था, जिसे अंत में टीबी हो जाती है। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा धमाल नहीं मचा पाई, लेकिन सोनाक्षी को उनके काम के लिए काफी सराहा गया था। इसके बाद साल 2013 में सोनाक्षी ने शाहिद कपूर के साथ फिल्म आर राजकुमार में काम किया था। फिल्म में सोनाक्षी चंदा नाम की लड़की के रोल में थी। वहीं साल 2014 में सोनाक्षी ने अक्षय के साथ फिल्म हॉलीडे अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी में नजर आई थी। तो उसी साल एक्शन जैक्शन और तमिल मूवी लिंगा में भी बेहतरीन अभिनय से दर्शकों को लुभाया था। साल 2015 में आई ऑल इज वेल और तेवर जैसी फिल्मों में भी दर्शकों ने सोनाक्षी की एक्टिंग को काफी पसंद किया था। साल 2016 में फोर्स 2 और अकीरा जैसी फिल्में करके उन्होंने साबित किया कि वो बखूबी एक्शन कर सकती हैं, जिसमें अकीरा को काफी पसंद किया गया था। इसके बाद साल 2017 में नूर और इत्तेफाक जैसी फिल्म में वो नजर आई। फिल्म नूर में उन्होंने मूव योर लक भी गाया था। और इस साल वो सलमान खान की रेस 3 में एक बार फिर स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलेगा।